सद्भावना दिवस के अवसर पर एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर्मचारियों के राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहित करना है, जिसके तहत एडीएम सिटी ने देश की भावनात्मक एकता एवं सद्भावना के लिए कार्य करने एवं सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाने की शपथ दिलाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, 20 अगस्त को भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के निधन की तिथि के अवसर पर सद्भावना दिवस मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। उसी की कंप्लायंस में आज कलेक्ट्रेट में जिला मजिस्ट्रेट के सभागार में सभी कर्मियों और सभी वर्ग से आए लोगों के समक्ष शासन द्वारा निर्धारित प्रतिज्ञा को यहां पर सभी को दिलाया गया है। सर, क्या था उस प्रतिज्ञा में? प्रतिज्ञा का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से रखेंगे, इस तरह के जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे।